वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू एंड हियर आई एम आफ्टर वेरी लॉन्ग। एंड एज यू ऑल नो, मैं आजकल हूँ बिलासपुर में गुड्स के साथ। एंड अभी जस्ट मैं डिनर करके फ्री हुई हूँ। अभी खाना वाना बनाया, फिर खाया एंड डिशेस वॉश करेगी गुड्स। और अभी गुड्स कर रही है घर बात। हैव अ लुक, से हाय गर्ल, कैसी हो तुम? खुश? इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? तो गुड्स घर वालों से बात कर रही है। एंड वन मोर थिंग, इट्स 30th of January टुडे एंड कल है गुड्स का हैप्पी वाला बर्थडे। इट्स हर बर्थडे मैन एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट हर बर्थडे। गुड्स ऐसी लड़की है जिससे बर्थडे की एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। ये उन्हीं लड़कियों में से है जिसको ऐसे रील्स में नहीं आती रहती है कि दैट आई हेट ग्रोइंग अप, आई हेट माई बर्थडे, ओ गॉड इट्स माई बर्थडे। ये वही लड़की है जिसे बर्थडे वाले दिन बिल्कुल खुशी और एक्साइटमेंट नहीं होती है। बट स्टिल अभी तक तो मुझे हो रही है, पर अभी नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा। प्लान मतलब मैंने कुछ प्लान करा है गुड्स के लिए, और बट शी डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ टू बी ऑनेस्ट। मतलब इसने मुझे पहले वार्निंग दी है, लाइक देखा इस वार्निंग से आगे बढ़ते हुए भी मैंने इतनी डेयरिंग बाजी दिखाई है कि मैं फिर भी कुछ करना चाह रही हूँ उसके लिए। बट शी वॉज लाइक कि कुछ भी मत करियो, इट्स अ वार्निंग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एज यू ऑल नो। बट इसका हर बार का यही होता है। इस सब के बाद भी मैंने उसके लिए कुछ प्लान करा है, तो मैं आपको भी बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। इसके लिए मैं गुड्स को भगा रही हूँ वो वाले रूम में, देन मैंने थोड़ा बहुत प्लान करा है तो फटाफट से उसके लिए प्रेपरेशन। सो गाइस, यहाँ चल रही मेरी अकेले की मेहनत, मतलब मैं इतनी मेहनत से थे सारे बलून खुला के बैठी हुई लुक। एंड गुड्स को हमने भेजा है रेडी होने, थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ी सी सूर्य ठीक करे भाई, फिर मत बोलियो फोटो अच्छी नहीं आई। फिर बोल लाइक चल ठीक है यार, मतलब मैंने जबरदस्ती का भेजा आज, तो वो बड़ी मुश्किल से मानी, तो वो उतनी लिथार्जिक कालसी एंड ऑल क्या क्या बोलूँगा, सो आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हर। बट अभी वो रेडी होने गई है, मैंने उसको बोला अच्छे से तैयार होकर आना दीदी, बट मैंने उसको ना जबरदस्ती भेजा आज लिटरली। फिर बोल लाइक अगर तूने कुछ किया ना यार, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं पागल है यार। फिर अभी मैं अपनी सांसें वेस्ट कर रही हूँ, बलून के अंदर मेरी सारी सांसें जा रही है लिटरली। और मुझे बलून से डर नहीं लगता, बट फट जाए ना तो पड़ोसी जाग जाएंगे, वो प्रॉब्लम है। जैसे ओ गॉड, के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। एक्चुअली मोहिनी दी की आज है नाइट, तो वो है नहीं मेरे साथ, एंड इसलिए मेरी सारी मेहनत अकेले ही हो रही है यहाँ पे। तो मैं और उस दो ही है सिर्फ और सिर्फ, तो हम दो ही करने वाले हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट। तो आगे बताती हूँ मैं आपको डेकोरेशन करके दिखाती हूँ। एंड डेकोरेशन इज समथिंग लाइक दिस। ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं करा है, मतलब थोड़ा बहुत ही जितना मुझसे हो पाया। वैसे भी गुड्स कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मुझसे, बट फिर भी मैंने इतना कुछ करा। एंड दिस इज केक, नाउ वी विल गो फॉर दिस। इसे फटाफट से निकालते हैं। एंड हियर एवरीथिंग इज रेडी, बस अब कमी है गुड्स की, गुड्स को बुलाना है। एंड ये छोटा सा हैप्पी बर्थडे हम इस पे लगा देते हैं। और ये हमें मिला है पूरे बिलासपुर बाजार में घूमते घूमते, एक पतला सा टियारा मुश्किल से मिला यार। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है ना लिटरली, वो मुझसे और मोहिनी दीदी से ही पूछेगा कोई भी, मतलब यार चार चक्कर काटे हैं एक पिंक बलून और इस टियारा के लिए, कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें बिलासपुर में यार, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब हो चुका है, अब हम गुड्स को बुलाएंगे टियारा पहनाते हुए। लेट्स गो। Yes, happy birthday girl. Thank you. So this is for you. It's the tiara. पूरे बिलासपुर में मुश्किल से ढूंढा है मैंने, okay? But it's like something bale and all. हाँ यार, वो यही बोल रहे थे, but we'll manage. Let's go. So welcome goods. हैप्पी बर्थडे टू यू। सो कैसा लगा तुम्हें मेरा छोटा सा सरप्राइज? ऑल्दो इट्स नॉट गुड, बट आई ट्राइड हार्ड, सो लेट्स सेलिब्रेट। हाँ यार, छोटे से बिलासपुर से। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा मिनी सरप्राइज? यार योर फेवरेट कलर ना, आई नो दैट। हैप्पी बर्थडे। 12:03 हो गए भाई, आई एम लेट, मैं यूज से पहले थी। सो गाइज, इट्स टाइम टू ब्लू कैंडल। इट्स आवर बैड कि हम सिर्फ दो ही है इस टाइम। मैं मोहिनी दी को सबसे ज्यादा मिस करती हूँ एंड गुड्स के फ्रेंड्स को। एंड वन मोर थिंग, गुड्स को किसी का कॉल नहीं आया, शी वॉज लिटल बिट अपसेट। ईशा दी का कॉल आया था सिर्फ, देन शी वॉज लाइक ओके चलो कोई तो है। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, नाउ इट्स टाइम टू ब्लो इट।
एंड लेट मी टर्न ऑन लाइट। गुड्स की अभी तक फोटोशूट चल रहा था, इतनी प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक करी है मैंने गुड्स की। आज वैसे ही फोटोज क्लिक करती नहीं है, इट वॉज काइंड ऑफ जबरदस्ती। एंड यहाँ पे हम दो ही है तो थोड़ा बुरा सा लग रहा है मुझे, और कोई होता तो ज्यादा मजा आता आई गेस। उह गुड्स सुने ऑन कैमरा ये बोला है। एक्चुअली शी डोंट लाइक पीपल अराउंड हर, शी इज इंट्रोवर्ट। उससे पहले क्या बोला गुड्स ने? ओके ओके, आई कट कौन करेगा? गुड्स खुद के लिए गाना गा रही है, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। किसे खिलाओगी केक कट करके? कोई आस पास दिख रहा है कैमरा मैन के सिवा? इट्स फनी मैन, फोकस कर रही हूँ मैं यार। वाओ, इट्स अ चॉकलेट केक, पैसे वापस दे दिए मेरे को समझी। सो गाइज, ये गुड्स का पहला बर्थडे है बिलासपुर में। इट्स रियली रियल, कैसा लगा गुड्स? मुझे तुझे मैं ही बोल रही हूँ तेरे को सारा का सारा। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और ये छोटी सस्ती मस्ती सी डेकोरेशन, यार मैं कुछ भी नहीं मिल रहा था, बता तुझे, थैंक यू। एंड गुड्स अकेले के लिए ठूस रही है, मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं खिलाया, बस मुझे खिलाया मैं ठूस भी लिया। ओ यार, इट्स फनी मैन। सो तुम्हें केक कैसा लगा गुड्स? इट्स योर फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट। What is thank you once again, thank पर ये बचपन वाला फील है पिंक व्हाइट, बट आई थॉट कि ये मैच कर रहा है तुम्हारे कर्टन और वॉल्स, दैट थिंग आई लाइक मोस्ट, पिंक बार्बी गणेश। और पता है गुड्स ने अपना छोटा सा मेकअप भी कराया आज, लिटिल बिट नो मेकअप, लुक वाला मेकअप दिख नहीं रहा होगा आपको, इसीलिए ज्यादा सुंदर लग रही है दीदी। मैं इसको जबरदस्ती भेजा था भाई कर ले आज से कुछ कर ले, तो शी वाज लाइक चल ठीक है तू इतना बोल रही है तो। एंड कल कहाँ ले जा रही हो गुड्स तुम हमें? जहाँ तो बोलेगी। ओके गाइज, ये केक कटिंग वटिंग वगैरह हो गई, इट वॉज काइंड ऑफ बोरिंग। बोरिंग तो नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे अकेले दो बंदे क्या बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यार, दैट्स व्हाई आई वाज मिसिंग साक्षी फैमिली एंड गुड्स के दोस्त। दैट्स इट, ये हो चुका है हमारा बर्थडे सेलिब्रेट, केक कट। एंड खाने का तो मन करता ही नहीं है मेरा मीठा, मतलब मैं खा नहीं सकती ज़्यादा, मेरा ऐसा है। और आई हैव वन मोर थिंग, तो मेरे पास गुड्स के लिए एक सरप्राइज है जो मैं खुद खाने वाले हुए। आई हैव समथिंग फॉर गुड्स, पता नहीं वो उसे अच्छा लगेगा या नहीं, आई डोंट नो दैट। एंड वन मोर, एंड इज मोहिनी दी की साइड से है तो वो भी मैं गुड्स को देने वाली हूँ, मतलब मैं ही देने वाली हूँ, तो आई विल शो यू, लेट्स गो, ले के आती हूँ। Guys, this is first one. ये हमने कुछ ऐसे प्याज से डेकोरेट करा हुआ था, डेकोरेट रैप करा हुआ था, एंड हियर इट इज। द गुड्स इज लुकिंग रियली एक्साइटेड। रुक जा भाई, रुक जा, शांति रखो। तो वेट, एंड दिस इज सेकंड वन, दिस इज फ्रॉम माय साइड। सो गाइस, गुड्स गोना अनरैप दिस, आपके सामने अनरैप करेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले फर्स्ट दिस वन गुड्स, मैंने तो लास्ट बर्थडे में याद कर दिया कुछ तो दिमाग चलाओ अपना। It's lighter man. Hands can walk out. That's why I'm so cool. That's why. That's why. So how do you like this? So how do you like this? So what? Something like this. It's in the bag and it looks funny or like it's quite a lot. So it's okay. Yeah. And what do you like? It's nice. So how do you like this? Okay. Okay. Now this is some more. Yeah. So yeah. So some more. So yeah. 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 सो दिस इज द बैग, टर्न करके दिखाया। हाँ, डू यू लाइक इट? बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ओके, सो दीज आर द गिफ्ट्स आई कैन अफोर्ड, आई एम बेरोजगार एक्चुअली। थैंक्स अ लॉट। तो पैसे कब वापस करवा रही हो? वापस सारे गिफ्ट के गुड सैरी करोगी तुम मेरे साथ? सो दैट्स अबाउट गुड्स बर्थडे। तो गाइस, दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है, मतलब हम हमारी फोटो नहीं क्लिक कर रहा कोई यार गुड्स, तुम्हें दुख नहीं हो रहा है इस बात का? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ये सब देख के, ये और ये भी इतना प्यारा है, देखो इसको। ओके, इट्स काइंड ऑफ क्यूट। सो गाइस, नाउ सी आर टुमारो, देखते हैं गुड्स समय ट्रीट देने के लिए कहाँ ले जाती है कल बिलासपुर की सबसे बड़े, क्या था गुड्स वो, जहाँ जाना है तुम्हें बताओ क्या था यार? राज दरबार? राज दरबार नहीं यार, कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा।
चल कल ही बताऊंगी तुम्हें, इक्कीस साल ढूंढ के हमने पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे हम। हाय गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे गुड्स अगेन, वांट टू से समथिंग, कोई मैसेज देना चाहोगी? हाँ अंजलि, थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना किया तुमने, थैंक यू। मतलब माय गॉड, जस्ट अ फॉर्मेलिटी मैन। तो क्या बोलूं मैं तुमको, यू हैव टू पे इट बैक। मेरा बर्थडे आएगा ना, मुझे भी सेम टू सेम सरप्राइज गिफ्ट और पार्टी तू ही देगी मेरे बदले। गॉड इट गुड्स, कौन हो तुम? ओ यार देखा, देख रहे हो तुम यार, पर आया कर दिया। अभी मैं उठी हूँ सोकर एंड इट्स 12 ऑलमोस्ट। यार रात को हम लोग काफी देर से सोए, दैट्स व्हाई हम सुबह उठ ही नहीं पाए। एंड वन मोर थिंग, रात में बारिश हो रही थी जोरों से और अभी भी मौसम बिल्कुल खराब हुआ है। और सुबह सुबह उठ के ना मुझे ऐसे लोगों के स्टेटस में किसी ने फोटो सेंड करी थी, गांव में बर्फ पड़ रही है और मेरा दिल ही खुशी हो गया यार। तब से मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना, बिना मतलब की बर्फ गाँव में पड़ी और खुशी मुझे यहाँ हो रही है, मतलब पता नहीं क्यों यार, अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो अभी हाल कुछ इस कदर है, गुड सो के उठ नहीं रही। मोहिनी जी का तो सोना बनता है, वो तो नाइट दे के आए हैं। एंड मैं करने वाली हूँ कुकिंग, कुकिंग तो नहीं मतलब हलवा पूरी बना रही हूँ। ऐसे गुड्स के बर्थडे पे खाने का मन कर रहा था बाहर मौसम को देख के, दैट्स व्हाई। तो अभी फटाफट से मैं यहाँ किचन में घुस चुकी हूँ और ये यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है और ये यहाँ पे बनेगा हलवा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज आई एम डन विद दिस, ये बना है हलवा और इसमें से हम थोड़ा सा पड़ोसी आंटी को भी दे आए गुड्स के बर्थडे की खुशी में। गुड्स के बर्थडे होने की खुशी में, बट ये आप सोच रहे हो ऐसे ब्लैक कलर का क्यों बना है, ये गुड़ का हलवा जो आटे में बनता है। आई लव दिस मोस्ट, सूजी वाला हलवा, आई डोंट लाइक दैट। एंड ये बनी है हमारी पूरी, अब हम खाएंगे हलवा पूरी। एंड ये बचा है केक, बहुत सारा बचा था और उसमें से हमने आधा आंटी को दे दिया। आज तो कुछ करती नहीं है दीदी, तो फटाफट से हम ब्रेकफास्ट नहीं, लंच क्या, लंच ब्रंच, लंच ही करेगी। अब 1 बज गए यार, देख 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 कट गया, देखिए तू सी अकेले अकेले यार, हाउ कुड यू मैन। नहीं बस मेरे को मीठा नहीं खाना। सो गाइस मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें, अभी हीटर के ऊपर बैठे हुए यहाँ, मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, ऊपर तो नहीं। एंड गाइज अभी हमने डिसाइड करा, मतलब ऑलमोस्ट 4 बजने वाले, अभी निकल रहे हैं हम रूम से मार्केट के लिए। अभी धूप आ गई थोड़ी अच्छी, बट हम ऐसे पैक होके गए ना जैकेट वगैरह पहन के, जैसे पता नहीं बर्फ पड़ने वाली है बिलासपुर में। ओ मैं तो इतनी खुशी हो रही हूँ यार, घर पे बर्फ पड़ गई है। एंड वन मोर थिंग, अभी यहाँ पे मौसम अच्छा हो गया, मतलब कल से कम ठंड है आज, तो अभी हम निकलते हैं सीधा मार्केट। हम पहुंच चुके हैं मार्केट, मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा है। एंड ये है यहाँ का पूनम मॉल, तो अभी सबसे पहले हम विशाल ही जाएंगे, इन तो जाके देखते हैं कुछ। सो हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि मार्केट में टाइम पास नहीं होना था, टाइम पास यहाँ पे भी नहीं होगा, काफी सन्नाटा होता है यार यहाँ जगह, क्योंकि सन्नाटे का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। दो सुंदरियाँ दिख रही है यहाँ सिर्फ, वो भी हमारी नून। तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं थोड़ा सा, विशाल चल रहे हैं यहाँ से, घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं किचन वाली शॉप में और ये लेके जा रहे हैं बूट्स के लिए। बारिश भी आ रही है और सन्नाटे के साथ हम, क्या बोलती है दीदी, क्या बोलती है, अच्छा मुझे नहीं चाहिए बुक्स, हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो गाइस गुड्स आई है, अभी नाक में पियर्सिंग करवा के दिखाई है, दुनिया को बता दे तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, दुनिया को बताने से दर्द कम होगा है ना। एंड गुड्स की नाक में हुई है पियर्सिंग अभी ताजा ताजा। और यहाँ हम आए हैं शुरुआत करने, यहाँ से हम मोमोज खा के जाएंगे, मुझे बड़ी क्रेविंग होती है यार बाहर से गुजरते हुए, दैट्स व्हाई आज के मेरे मोमोज क्रेविंग होती है ना, मोमोज को यार इनका दिल वाला और इनका सूप गुड गुड कहना चाहूंगी, कुछ भी नहीं खा सकते, खा सकते हो आप, हाँ हाँ होगी मेरी फोटोग्राफ। एंड गाइज हम यहाँ से उसके निकल चुके हैं बाहर, नाव बाहर हो रही है बारिश, अभी हम जाएंगे बेक एंड केक पता नहीं क्या ऐसा कुछ है। सो वहाँ से निकलते हुए हम आ रहे बारिश में भीगते हुए यहाँ कुछ और ठूसने। सो गाइस हियर वी आर, तो हम पहुंच चुके हैं बेकर सेंट व्यू, ये बिल्कुल मेन मार्केट में साथ ही है बिलासपुर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, यू कैन विजिट इट। एंड अभी इनका पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मुझे समझ नहीं जो मेरे सिलेबस के बिल्कुल बाहर है। एंड हेयर खाने के नाम पे मेरे लिए आई है चाउमिन, बट इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरी प्लेट से ज़रूर खाना है दीदी ने। सो यहाँ आ चुका है इनका खाना, चीज़ चिली एंड हमारी कॉफी,
ऐसा लगा आपको चीज से एंड हियर वी कैन एंड अप विद राजमा चावल लुकिंग सो डिलीशियस. कैसे बने? पूरा अंधेरा ऑलमोस्ट और हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो अभी हम आए बस स्टॉप, यहाँ से बस लेंगे हम एम्स वाली जो हमें हमारे रूम तक ड्रॉप करेगी. और हम यहाँ पहुँच चुके हैं रूम, बिल्कुल थके हारे. और मैं ये बनी हुई हूँ भालूगढ़ और गुड सो रही है हीटर के साथ साथ. स्लीपी टायर्ड गुड्स का आज सुबह से मतलब इसको ऐसे फील आ रहा था कि ये बीमार थी. फिर भी मैं इसे ज़बरदस्ती ले गई. शी वॉज लाइक यार हम यही कुछ ऑर्डर कर देते हैं ना, बट मैंने इसे ज़बरदस्ती ले गई इतने ख़राब मौसम में भी. थैंक्स अ लॉट एंड हैप्पी बर्थडे अगेन. तुम जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो हज़ार. ऐसे इतना नहीं चल ठीक है. कितने 70-80s चलेगा? ठीक है इतना 80 लास्ट ना. और क्या कह रही थी मैं, तो गुड्स धीरे धीरे बुढ़ी हो रही है. यू आर 24 गर्ल नाउ. दैट्स इट. सी आर नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय गुड नाइट. अब हम कुछ नहीं सो जाएंगे सुकून से. इतनी ठंड है यार यहाँ पे भी. बाय बाय बोल दो गुड्स. बाय हैप्पी बर्थडे अगेन. See you in next vlog.